दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसो गदा है सो है वो भी आदमी। कहते हैं कि ताजमहल के बाद आगरे की कोई पहचान है तो वो है नजीर की शायरी। कहते हैं जिसको नजीर, सुनिए टुक उसका बयां, था वो मुअल्लम गरीब बुजदिलो तरसदा जां, फहम न था इल्म से कुछ अरबी के उसे, फारसी में हाँ मगर समझे था कुछ ई ओ आ, शेर व गजल के सिवा शौक न था कुछ उसे, अपने इस शगल में रहता था खुश हर जमा। सुस्त रविश पस्तखत सामला हिंदी नया, तन भी कुछ ऐसा ही था कद के मुआफिक आया, माथे पे एक खाल था छोटा सा मस्से के तौर, था वो पड़ा आनकर अब्रुओं के दरमियां, वजह सुबह उसकी थी तिस पर न रखता था रीश, मूछे थी और कानों पर पट्टे थे पंबसा, पीरी में थी जैसे कि उसको दिल अफसुर्दगी, वैसी थी उन दिनों जिन दिनों में था जमा। हालांकि नजीर की पैदाइश दिल्ली में हुई थी, उनका ननिहाल आगरे में था और बचपन के कई बरस वहीं गुजारे थे। क्या वक्त था वो हम थे जब दूध के चटोरे हर आन आ चलो के मामूर थे कटोरे, पांव में काले टीके हाथों में नीले डोरे, या चांद सी हो सूरत या सावरे ओ गोरे, क्या सैर देखते हैं ये तिफल शीर खोरे, लाता है फेर फार के तुक्कल जो अपनी वाह, कहता है कोई उनसे खबरदार हो मियां, अब पेच पढ़ने को है न दे इतनी ठुमकियां, घबरा के कन्ने इसके न फंसने दो मेरी जान, अच्छा नहीं है मुफ्त खपाना पतंग का, क्या क्या कहूं मैं शोर मचाना पतंग का, बाके भी हो के हमने इस दीद को लड़ाया, शमशीर और सिपर को एक उम्र खड़खड़ाया, बाका पटा उबल्लम गुदका उलट फहराया, झुमका तुम्हारा इस दम हमको याद आया। ले आई ने को हाथ में और बार बार देख, ले आई ने को हाथ में और बार बार देख, सूरत में अपने कुदरत परवरदिगार देख, सूरत में अपने कुदरत परवरदिगार देख, खालसिया और मुश्क बार देख, खालसिया और मुश्क बार देख, जुल्म दराज और तुर्रे अंबर निसार देख, जुल्फ दराज तुर्रे अंबर निसार देख, हर लहजा अपने जिस्म के नक्शो निगार देख, हर लहजा अपने जिस्म के नक्शो निगार देख, ए गुल तू अपने हुस्न की आपी बहार देख,
ऐ गुल तू अपने हुस्न की आप ही बहार देख। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दौर में नज़ीर दिल्ली में पैदा हुए और जब नादिर शाह का पहला हमला हुआ तो वो 4 साल के थे। नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली ने 3 बार दिल्ली पर धावा बोला। इन हमलों से घबराकर नज़ीर 20 साल की उम्र में हमेशा के लिए दिल्ली से आगरा आकर बस गए। फिर आगरे के किलेदार की बेटी से उनकी शादी हो गई। शुरू में वो मीर साहब की तर्ज पर गजल कहते थे और ऐसी ही एक गजल उन्होंने मीर साहब के सामने पढ़ी भी थी। उस्ताद, अगर इजाजत हो तो कुछ अर्ज करूं? पढ़ो, खूब पढ़ो। जदीद और अजीज दिल्ली के चरखारे तो मशहूर हैं। अर्ज किया है, नजर पड़ा एक बुते परिवश, नजर पड़ा एक बुते परिवश, निराली सजदज नहीं अदा करा। नजर पड़ा एक बुते परिवश, निराली सजदज नहीं अदा करा। जो उम्र देखो तो 10 बरस की, जो उम्र देखो तो 10 बरस की, वो कहर आफत गजब खुदा का। ये चुलबुलाहट, ये अच पलाहट, खबर ना सर की न तन की सुदबुद। ये चुलबुलाहट, ये अच पलाहट, खबर ना सर की न तन की सुदबुद। जो चीरा बिखरा बला सा बिखरा, जो चीरा बिखरा बला सा बिखरा, न बन बंधा कबू कबाक। जतावे उल्फत चढ़ावे अबरू, जतावे उल्फत चढ़ावे अबरू, इधर लगावट उधर तगाफुल। करे तबस्सुम झिड़क दे हरदम, करे तबस्सुम झिड़क दे हरदम, रविश रविश हटीली चलन दला का। न वो संभाले किसी के संभले, न वो संभाले किसी के संभले, न वो मनाए मने किसी का। जो कत्ले आशिक पे आके मचले, वो गैर का फिर ना आशना का। खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे। मगर आगे चलकर वो गजल गो शायर की हैसियत से मशहूर नहीं हुए, उन्होंने अपनी अलग ही राह अख्तियार की। एक रोज घोड़े पर बैठकर माईथान मोहल्ले की तरफ चल पड़े। अरे माफ करना भाई, माफ करना। माफ करना मेरे दोस्त, तुमको आते हुए नहीं देखा, गलती से चाबुक पड़ गई। अब जब तक मुझे मारोगे नहीं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। लो मारो, मारो। मारते क्यों नहीं? उसके बाद नज़ीर ने कभी चाबुक नहीं रखा और घोड़ी को उसकी मर्जी पर छोड़ दिया। खुद चली तो चली, नहीं तो कोई आकर बागडोर पकड़कर बढ़ा देता। 17 रुपए महाना पर वो राजा विलास राय के बच्चों को पढ़ाते थे। बच्चों, नमस्ते बेटा, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा ये बताओ बच्चों कि आज फारसी कौन सुनाएगा? आज फारसी नहीं पढ़नी उस्ताद जी। क्यों भला? आप अपनी नज़्म पढ़ के तो सुनाइए। कौन सी भला? मैं सुनाऊं? हाँ हाँ। यारो सुनो, ये दधी के लुटैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन, मोहन स्वरूप निरथ करैया का बालपन, बन बन के ग्वाल गोए चरैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, ऐसे था बांसुरी के बजैया का बालपन, ऐसे था बांसुरी के बजैया का बालपन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे।
मियां नज़ीर रोज दोपहर का खाना राय साहब के यहाँ ही खाते थे। वाह वाह, बेसन की रोटी, मगर आचार तो है नहीं। मियां आचार घर में बचा ही नहीं। उस्ताद जी अपनी दुकान से आचार ले आओ। हाँ बेटा जा ले आ, जा। और सुन, अपने बाप से मेरी तरफ से सलाम भी कहना। अच्छा वाह, चूहों का अचार, फिर गर्म हुआ आन के बाजार चूहों का। हमने भी किया खोमचा तैयार चूहों का, दो चार चूहों के सर पैर कुचल कर, जल्दी से कचूमर सा किया दो चार चूहों का। क्या जोर मजेदार बना है अचार चूहों का, पहले थे कई अब तो हम ही एक है चूहे मार। मुद्दत से हमारा है इस अचार का व्यापार, गलियों में हम ही ढूंढते फिरते हैं खरीदार। बरसे है पड़ी कौड़ी रुपए पैसों की बौछार, क्यों बच्चों हा? मजा आया? अरे वाह नज़ीर मियां, आदाब। आदाब आदाब मियां ककड़ी वाले। भाई आपने हमारे लिए क्या खूब गीत लिखा, मेरी तो खूब ककड़ियां बिकने लगी हैं। क्या खूब नर्म नाजुक की सागरे की ककड़ी है, और जिसमें ये खास काफिर इस्कंदरे की ककड़ी, क्या प्यारी प्यारी मीठी और पतली पतलियां हैं, गन्ने की पोरियां हैं, रेशम की तकलियां हैं, फरहाद की निगाहें, शीरी की हंसलियां हैं, मजनू की सर्द आहें, लैला की पसलियां हैं, क्या खूब ककड़ियां हैं, क्या प्यारी ककड़ियां हैं। वाह क्या बात, आला आपने तो खूब अच्छा कहा। चलिए इजाजत चाहता हूँ आपसे, कुछ सुनते कुछ सुनाते भाई। कोरे बर्तन है क्यारी गुलशन की, जिससे खिलती है हर कली तन की। बूंद पानी की इनमें जब खन की, क्या वो प्यारी सदा है सन सन की, ताजगी जी की और तरी तन की। वह क्या बात वह क्या बात वह क्या बात कोरे बर्तन की, वह क्या बात कोरे बर्तन की, वह क्या बात। मियां हमारे लिए भी कुछ कह दो ताकि हम गा के कुछ कमा लें। कलमदान यहाँ और वहाँ ले जाऊं, लिखें हम ऐश की तख्ती पर किस तरह ऐ जा, कलम जमीन के ऊपर और दवात कोठे पर। हूरी से करिश्मा नाज सितम, गमजों की झुकावट वैसी ही, पलकों की झपक पुतली की फिरत, सुरमे की घुलावट वैसी ही, खूरेज करिश्मा नाज सितम, गमजों की झुकावट वैसी ही, बेदर्द सितम गर बेपरवा, बेकल चंचल चटकीली सी, दिल सख्त कयामत पत्थर सा, और बातें नर्म रसीली सी। ओरेज करिश्मा नाज सितम, गमजों की झुकावट वैसी ही।
हुस्न की गर्मी से हर आन चमकते मोती से हर आन चमकते आन चमकते आन चमकते मोती से खुश रंग पसीने की बूंदे सौ बार झमकते मोती से खोरेज करिश्मा नाज सितम गमजों की झुकावट वैसी ही क्यों ना झमक कर करे जलवा गरी पंखियां क्यों ना झमक कर करे जलवा गरी पंखियां कुछ कफ नाजुक परी कुछ वो परी पंखियां देख चमन में नसीम उसकी जबी पर अर्क लाई उधर से नसीम इत्र भरी पंखियां बहुत खूब बहुत खूब किसी राजा नवाब या रईस की शान में कसीदे नहीं लिखे और ना ही उनकी नौकरी की। कहा जाता है कि लखनऊ के नवाब सादत अली खां को जब नज़ीर की गरीबी का पता चला तो अपने यहाँ बुलाने को आदमी भेजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आप मुझे नज़ीर अकबराबादी का घर बता सकते हैं? जी यहाँ से सीधे जाइएगा, नवाब बांदा के मकान के पहलू में एक मुख्तसर सा मकान है जिसके सहन में नीम और बेरी का दरख्त लगा हुआ है, बस वही उनका घर है। जी बहुत शुक्रिया। क्या मियाँ नज़ीर घर पर हैं? उनसे कहिएगा कि बादशाह अवध नवाब सादत अली खां की तरफ से एक कासिद आया है। वो घर पे नहीं है, आप बाद में आइएगा। जी बेहतर। तो क्या आप ही नज़ीर अकबराबादी हैं? तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। अरे भाई हम फकीरों की चौखट पे शर्माना कैसा, तशरीफ रखिए। हुजूर आपने तो हमें धोखे में रखा। भाई आपने नज़ीर के मकान का पता पूछा था तो मैंने बता दिया, कहिए क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी। बादशाह अवध नवाब सादत अली खान ने आपको बुला भेजा है। हुजूर फरमाते हैं तुम्हारे कलाम की शोहरत ने तुम्हारा मुश्ताक बनाया, हमारे दरबार में तशरीफ आवरी से जीनत बख्शें। भाई मैं माशे का कलम चलाने वाला, अमीरों के लायक कहाँ। ये तो आपकी इनकिसारी है जनाब। हुजूर ने आपके लिए 3,000 रुपये बतौर नजराना भी भेजा है। लीजिए मियाँ, इसमें बांध दीजिए। तो मैं हुजूर को क्या जवाब दूं? आप लखनऊ तशरीफ कब लाएंगे? भाई मियाँ शब तक की मोहलत दो, कल आपको जवाब दूंगा। जी बेहतर। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। बेगम जी लो भाई संभालो। रुपए के खटके से रात भर नींद नहीं आई, तमाम रात परेशान रहे।
पैसे ही का अमीर के दिल में ख्याल है, पैसे ही का फकीर भी करता सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लिए पकड़िए मियाँ, ये पैसा बड़ी बखेड़े की चीज़ है, रात में चोर की वजह से नींद हराम हो गई डर के मारे, जाइए से वापस कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। और सुनिए, नवाब साहब से मेरा सलाम कहिएगा और मेरी तरफ से माफ़ी भी मांग लीजिएगा, कहिएगा कि नज़ीर फ़कीर अपनी झोपड़ी में खुश है, महलों में रहना उसकी तकदीर में नहीं। जाइए। पैसा ही फौज पैसा ही जाहो जलाल है, पैसे ही का तमाम ये तंगो दवाल है, पैसा ही रंग रूप है, पैसा ही माल है, पैसा ही माल है, पैसा न हो तो आदमी चरखे कमाल है, पैसा न हो तो आदमी चरखे कमाल है, चरखे कमाल है।